मम का मैसेज आया मैं माइल्स हूज एट द डोर। कोई मेरे डोर पे कोई है? अभी तो मैंने देखा कोई नहीं था भाई। मेरे को नहीं लगता मेरा ये गेट खुला था, मेरे को याद नहीं है। गाइस What's up everybody? आप लोग का स्वागत है एक नई वीडियो में। एंड आज के दिन हम लोग खेलने वाले हैं एक रियल लाइफ स्टोरी पे बना हुआ एक हॉरर गेम जिसका नाम है Fears to Fathom Home Alone। ओके सो अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मुझे हॉरर गेम्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। लास्ट टाइम जब मैंने हॉरर गेम खेला था वो था आई गेस पॉपी प्ले टाइम। एंड तुम लोगों को पता है कि वो वीडियो में बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा था उस वीडियो में। इधर जा रहे मेरे को शर्म आ रही है। देखो मेरी हॉरर गेम से बहुत ज्यादा फटती है, ठीक है? मैं बहुत बड़ा फट्टू हूँ। तुम लोगों को लगेगा मैं ओवर एक्टिंग करूंगा अगर मैं डर जाता हूँ वीडियो में। मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची में उतना बड़ा फट्टू। मेरे को भाई छोटी छोटी सी चीज जो है ना डरा देती है। तो यार आज के दिन हम लोग खेल रहे हैं Fears to Fathom Home Alone गेम। तो ये गेम का स्टोरी का कुछ ऐसा है कि ये एक सीरीज है गेम की। यहाँ पे जो लोग की रियल लाइफ स्टोरीज होती है ना उनके ऊपर एक हॉरर गेम बनाया जाता है। तो ये उस गेम का सबसे पहला पार्ट है जहाँ पे हम लोग एक घर के अंदर अकेले, मतलब हमारे मम्मी पापा जा चुके हैं और हम लोग घर के अंदर अकेले हैं। चिल्स आ रही है मेरे को भाई। तो सबसे पहला हमारा एपिसोड है होम अलोन। Fears to Fathom इज एन एपिसोडिक साइकोलॉजिकल हॉरर गेम वेयर ईच एपिसोड अनवील्स अ शॉर्ट स्टोरी नरेटेड बाय अदर वंस हु सर्वाइव। ओके जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि Fears to Fathom जो है ना एक एपिसोड की तरह एक हॉरर गेम है। इसके अंदर हम लोग को वो स्टोरी देखने के लिए मिलती है जो कि दूसरे लोगों ने एक्सपीरियंस करी है। तो वो लोग ने अपनी स्टोरी बताई एंड उसके ऊपर ये गेम बनाया। तो ये है इसका फर्स्ट एपिसोड जिसका नाम है होम अलोन। एंड उसके बाद एक और एपिसोड है उसका नाम है नॉरवर्ड हिच हाइक। सबसे पहले खेलते हैं होम अलोन। Fears to Fathom एपिसोड 1 होम अलोन जुलाई 12। I didn't want to put this up on Reddit just for it to be called a piece of fiction. मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसको Reddit पे डालूं जिससे लोग चाहें कि ये बस एक ऐसी बनाई हुई स्टोरी है। मेरे को नहीं पता कि मैं ये चीज कहाँ से स्टार्ट करूँ एंड मेरे को अच्छे से स्टोरी टेलिंग की स्किल्स नहीं है मेरे पास। ये जो सामने वाला बंदा अपनी स्टोरी बता रहा है ना वो बता रहा है, ठीक है? आई गेस अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ओके तो अभी हम लोग स्टोरी नरेट करेंगे गाइस। गर्मियों के बीच में मेरे पेरेंट जो है ना वो वीकेंड की छुट्टियों के लिए, मतलब एक वर्क ट्रिप पे गए थे वीकेंड पे, ठीक है? इसके मम्मी पापा एंड इसको जो है ना अपने घर पे पूरे वीकेंड अकेले रहना पड़ा था। आई गेस मैंने तुम लोग को बताया नहीं कि मेरा जो सोने का स्केड्यूल था वो बहुत ज्यादा खराब था। मैं किसी भी टाइम सो जाता था एंड किसी भी टाइम उठ जाता था एंड मेरा कोई भी फिक्स टाइम नहीं था कि किस टाइम मैं सोऊंगा किस टाइम उठूंगा। भाई ऐसा स्लीप शेड्यूल होगा तो ओके आई गेस गेम स्टार्ट हो गया। ओ खड़ा हो जा भाई, मैं आई गेस बेड पे हूँ। ओ ये मेरा अलार्म था। ओके तो मैं उठा हूँ 8 बजे, मैंने नैप ली थी रात में। तो ये मेरा कमरा है, मैं उठ गया हूँ और मैं आई गेस अपने घर पे अकेले हूँ। ओके तो आई गेस ये मेरा घर है। अभी शाम हो रखी है, तुम लोग देख सकते हो ये शाम है कि मॉर्निंग है, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज्यादा। ये तो ये मेरा रूम है। मेरे को मॉम का मैसेज आया है, मम्मी का मैसेज आया मेरे पास। तुम्हें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी लज़ानिया बना दिया है, तुम लोग फ्रिज में जाके चेक कर सकते हो। एक और मैसेज है मेरे को ओलिवर की तरफ से। आई गेस ओलिवर मेरे घर पे आने वाला था लेकिन ओलिवर आ नहीं पाएगा अभी मेरे घर पे। तो मॉम ने जो है ना खाना बना दिया है, नीचे फ्रिज में रखा है। आई गेस यहाँ से नीचे जाएंगे और ये है आई गेस ये कौन सा कमरा है भाई, ये तो बहुत अच्छा कमरा है, ये किसका कमरा है? मेरे से मत पूछो कि मैं अपने पेरेंट्स के रूम में सीधा क्यों गया भाई, मेरे को थोड़ा ना पता था। ये इसकी मम्मी पापा का कमरा होगा, इसमें लाइट क्यों नहीं है? वेयर्स द बटन यार, मेरे को कुछ दिख भी नहीं रहा है। ओके मेरे को कोई दिखा भाई, एक आदमी घूम रहा है मेरे घर के पास गया। आई गेस मेरा नेवर होगा शायद। तो ये मेरे मॉम डैड का रूम है, मैं बिना फालतू में इस रूम में आ गया। मेरे को थोड़ी ना पता था कि मेरे मम्मी पापा का रूम है। मेरा रूम भी वो है, मैं अभी खोले रहता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ। तो एक्चुअली मेरे को फ्रिज से जो है ना क्राउच उसी से क्राउच करके मैं देख सकता हूँ नीचे। फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कार इधर उधर क्यों जा रही है मेरे घर के, ये कार घूमे ही जा रही है मेरे घर के पास। कुछ देखा मैंने और नहीं देखा भाई, ये कार ही जा रही है मेरे घर के इधर इधर, पता नहीं क्यों। तुम लोगों को कोई आवाज आई है?
क्या कोई? भाई मेरे को कोई आवाज आएगी, कोई देख रहा भाई? कुछ तो आवाज आई थी मेरे को। ओके इसी की आवाज, मेरे को दोबारा आवाज आई है भाई। ओके सारे गेट वेट तो बंद है। ओके कोई ना, मेरे को काम दिया गया है, मेरे को खाना खाना है भाई। मेरी उठ रही है, मैं फ्रिज पे जाता हूँ। क्या कौन सा भाई, लजानिया क्या होती है मेरे को यही नहीं पता है। ये है क्या लजानिया? ये है। फूड वाज कोल्ड, तो मेरे को गरम करना पड़ेगा ना। सबसे पहले मैं अपनी फ्रिज तो बंद कर दूं भाई, वरना मेरी मम्मी मेरी ऐसी की तैसी कर देंगे। ओके तो ये ओवन है, खाना गरम कर देते हैं। ये कार वाला मेरे घर से नहीं आएगा, ऐसे दूसरे कार वाले हैं। कार चल रही है, रात का टाइम है ना, तो कार चल रही है भाई। मेरी अभी जो है ना हालत खराब होगी। ये गेट जो है ना, इस पे ये शीशा है ना। ओ खाना गरम हो गया मेरा, ये शीशा है ना, मेरे को लगा किसी ने ये गेट खोल दिया। किसमें है मेरा खाना? अरे मेरा खाना उसमें है, मैं फ्रिज क्यों खोल रहा हूँ? Okay, ये रहा मेरा खाना। फूड बहुत अच्छा था एंड गरम था, एंड मेरे को टीवी के साथ खाना देखना, मतलब टीवी देखने के साथ मेरे को खाना खाना बहुत ज्यादा पसंद है। ओके तो आई गेस मेरे को टीवी के सामने खाना खाना है। पहले चालू करूँ क्या टीवी? बैठना है ना, इस पे बैठू क्या? बैठ क्या, खाना खा रहा हूँ मैं। आई गेस कुछ नहीं, मेरे को एक्चुअली आई डोंट नो, मेरे को लग रहा है कि साइड से मेरे को कंफ्यूजन हुआ, बट आई गेस मैं इधर साइड देख रहा था, ठीक है ना, ऐसे इधर साइड देख रहा था एंड मेरे को लगा कि इधर से कोई तो गया है, देख नहीं पाया सही से। मेरे को खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा नींद आ रही थी तो फिर मैं सोने गया, ऐसा इसकी स्टोरी में है। मेरे को मेसन का मैसेज आया है, आई गेस वो भी साइड से नहीं आ सकता है, वो भी हमारे आई गेस मेसन घर पे Guys, मेरे को हेलो भाई, मेरे को नहीं लगता मेरा ये गेट खुला था, मेरे को याद नहीं है, बट मैं अभी इधर से आया था तब मेरा ये गेट खुला नहीं था। आई एम 100% श्योर मेरा ये गेट खुला नहीं था। ओ भाई इसकी आवाज बहुत ज्यादा डरावनी है। ओके आई गेस मेरे को सीधे ऊपर जाना है। ओके मेरे को ऊपर जाना है, मेरे को ऊपर जाना है बस। आ नहीं सकता है मेसन, आ नहीं सकता, उसने अपने को मैसेज करके बता दिया। कोई ना चिल डूड, मैं आई विल प्रोबेबली जस्ट गो बैक टू बेड आफ्टर केमिस्ट्री। ओके आई गेस मैं अपना काम करूंगा एंड फिर सो जाऊंगा। तो जो मेरा दोस्त आने वाला था ना, वो आ नहीं सकता है। इधर है क्या कोई? कोई नहीं है। मेरा ये रूम है, ये फेंकू ना मैं? ओके फेंक दिया। मेरे को लगा था कोई तो ऊपर आया था। मैं दोबारा से बाहर जाके उधर साइड देखूं क्या, इधर साइड देखूं क्या कि वो बंदा इधर है क्या? यार मेरा गेट खुला था लेकिन यार मेरे को लगा कि कोई तो आया, अब वो मेरे को बंदा भी नहीं दिख रहा है जो नेवर था, और इस रूम में इतना अंधेरा है कि भाई मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है कुछ। ओके आई गेस मेरे को जो है ना सोना है जाके सीधे। मेरा काम है, मैंने खाना खा लिया, मैं अपना डोर बंद कर रहा हूँ। ओ माई गॉड इसका म्यूजिक यार, मेरे को सोना है। आई रिमेम्बर मेरे को होमवर्क करना था बेड जाने से पहले। ओके आई गेस मैं अपना होमवर्क करता हूँ जल्दी से। ये है मेरा होमवर्क। मैं फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि नीचे से टीवी की आवाज आ रही थी। भाई मैं तो टीवी बंद करके आया था ना साइस से। अरे नहीं, अरे यार एक्चुअली मैं अपनी टीवी बंद करके नहीं आया था, मेरे को याद है मैंने खाना खाया एंड उसके बाद मैं ऊपर आ गया, मेरे को टीवी बंद करनी है। ओके कहाँ है टीवी मेरी? इधर थी ना। ओके बंद कर दी टीवी मैंने। इसी की आवाज आ रही थी, इतनी डरावनी डरावनी भाई। मेरी ऐसी की तैसी हो रही थी कि भाई गेम में इतनी डरावनी आवाज क्यों आ रही है। ओके सब सही है ना? को दोबारा से बाहर देखना चाहिए। सब सही है ना? ओके सब सही है। ओके एवरीथिंग इज फाइन। अब आई गेस मेरे को, मैं बाहर जाके देखूं क्या एक बार? मैं बाहर जाके देखता हूँ। ओके कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है। ओ भाई मेरे को गूज बम्स आ रही है बहुत ज़्यादा भाई। सामने वाला गेट खोलूँ क्या? ओके कोई नहीं है। आई गेस अभी मेरे को सीधा ऊपर जाना है एंड सोना है। जल्दी 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 भाई, अभी तक मेरे को कुछ भी वैसा नहीं दिखा है। ओ भाई ये आवाज। ओके मेरी हालत खराब हो रही है, मेरे को अभी तक भूत नहीं दिखा है। मैं भाई यार ये माहौल ऐसा बना रखे है कि मेरे को डर लग रहा है। ओके मेरे को होमवर्क करना है, मैंने टीवी बंद कर दिया तो मेरे को सोने से पहले अभी होमवर्क करना है। होमवर्क करते हैं जल्दी से। 12:38 AM सो अभी रात के 12:30 बज गए हैं। मैंने अपना होमवर्क कर लिया ठीक है ना, एंड अभी मैं जाऊंगा सोने। ओके मॉम का मैसेज आया है मेरे को, ज्यादा लेट तक मत जगना, और इस बार मेरे को मिसेस पोला से सुनना नहीं चाहिए कि तुम ज्यादा देर तक जगे,
तो मतलब मेरी मम्मी ने मेरे को मैसेज किया है कि आज रात ज्यादा देर तक मत जगना, सो जाना जल्दी से। हमारी पड़ोसिन जो है ना मिस्टर पाउला, तो अगर मैं ज्यादा देर तक जगा तो मिस्टर पाउला भाई मेरी मम्मी को बता देंगी। तो मेरी मम्मी ने मैसेज किया कि सो जा कहीं के। मैं सो गया, 12:30 बजे सो गया, सही टाइम है 12:30 बजे। ओके 1:16 रात के 1:16 हो रहे हैं, मैं पानी पीने के लिए उठा। यार लाइट मैंने बंद नहीं करी थी ना सोने से पहले। ओके म्यूजिक चेंज हो गया है बॉयस, म्यूजिक चेंज हो गया है, पूरे पूरे घर की लाइट बंद, पूरे घर की लाइट बंद हो गई है। पानी पीना है मेरे को, पूरे घर की लाइट बंद हो गई है। कोई है क्या? कोई नहीं है। ओके कोई नहीं, अपन पानी लेते हैं। कहाँ है पानी? ये है क्या? अरे भाई पानी लेना है, बंद नहीं। ओके ये है पानी। ओके पीना है पानी, लेट्स गो, पूरा पानी पी लेते हैं। ओके पानी पी लिया मैंने, है क्या इधर? ओके कोई भी नहीं है। जाता हूँ भाई दोबारा से ऊपर सोने। भाई इतना स्लो क्यों जा रहा हूँ मैं? मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। ओके ओके लेट्स गो। लेट मॉम का मैसेज आया मेरे को। माइल्स हूज एट द डोर? कोई मेरे डोर पे कोई है? अभी तो मैंने देखा कोई नहीं था। यू भाई मेरे डोर पे कोई है? ए मम्मी मैसेज भेजता हूँ। आई एम नॉट, ओ मेरा मैसेज नहीं जा रहा है, मेरा मैसेज नहीं जा रहा। मेरे डोर पे कोई तो है। ओके मॉम के और भी 4 मैसेज। पाउला ने मेरे को भेजा है, उसने बोला है कि कोई तो विंडो की तरफ देख रहा है, वो पुलिस को बुला रही है, तुम सारे डोर्स को बंद कर लो एंड कोई से भी डोर पे लाइक जवाब मत देना, कोई से भी डोर का जवाब मत देना। कौन है? आई ट्राइड पी, आई फेल्ड। अरे भाई तू क्या यार, ये क्या आवाज थी? ओह माय गॉड, आई लुक बैक देयर एंड ही वाज गॉन। है ही नहीं कोई। मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा। ओके ओके क्लिक टू हाइड। यस मैंने अपना डोर बंद कर लिया, मैं छुपा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा भाई, पुलिस आ रही है, मेरी मम्मी अम्मी आ रही होंगी, मैं नहीं निकलने वाला यहाँ से। मैंने अपना डोर बंद नहीं किया। कहाँ से टूटा? मैंने अपना डोर बंद नहीं किया। ओके ओ ओ ओ ओ कोई तो मेरे नीचे है डोर पे, कोई तो मेरे डोर के नीचे है, कोई तो घंटी बजा रहा है मेरे डोर के नीचे। किसी ने बजाई थी, मैंने एक बात सुनी अभी। अरे मेरे को सच्चे में कोई घंटी बजा रहा है। ओह माय गॉड, इट्स पाउला एट द डोर। ओके मॉम का मैसेज आया है कि पाउला है डोर पे। जाऊं क्या उसके पास या इंतजार करूं? मेरे को डर लग रहा है। अरे भाई वो डोर पे मेरे को डोर बजाए जा रही है भाई, वो पाउला है डोर पे। नीचे जाऊं क्या पाउला के पास? ये कौन है? नहीं, भाई उस मेरे मम्मी पापा के डोर, मेरे मम्मी पापा उस रूम में कोई तो है। मैं उसको देख पा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा। पाउला तेरी ऐसी की तैसी, मैं नहीं जा रहा। मैं अपना गेट बंद कर रहा हूँ, ये गेट, इस खिड़की को खोल सकते क्या? मैं नहीं कुछ कर रहा। ओके पुलिस आ गई क्या? ओह माय गॉड पुलिस आ गई क्या? ओह फाइनली पुलिस आ गई, बच गया सा इससे मैं। गेम कंप्लीटेड। ओह माय गॉड डूड फाइनली। भाई मेरे को पता था, मैंने पता अगर मैं नीचे जाता ना तो मैं मारा जाता भाई 100% ना। इस वाले रूम में कोई तो था। ये देखो ये वाली खिड़की तोड़ के आया था वो। सो ये था फियर्स टू फैथम होम अलोन। तो इफ तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसका हम लोग सेकेंड पार्ट खेलेंगे बहुत जल्द। आज के इतना ही, मैं मिलूंगा तुम लोग को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।